एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। अगर एक क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया तो आपका सिलेक्शन, अदरवाइज आप बिना बताए आप यहाँ से चले जाना। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। रिसेप्शन पे जो बैठे होंगे, जिनका आज इंटरव्यू है, उनको भेज दीजिए। ठीक है, देखते हैं अभी। कमिंग। श्योर। गुड आफ्टरनून। आप भूल गए तो मैंने सोचा मैं ही आपको कर दूं। सॉरी मैम। आप जरूरत से ज़्यादा हंसते हैं। अच्छा ठीक है। सो आपका काफ़ी दिनों से एचआर के पास बहुत मैसेजेस आ रहे थे आपके, कि आपका इंटरव्यू लेना है, आपका इंटरव्यू करवाना है, आपको जॉब की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत मतलब किस कदर ज़रूरत है आपको, अगर आपसे पूछा जाए तो जॉब की किस कदर आपको ज़रूरत है? जॉब की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं 2 सालों से मैं ऐसे जॉब ही ढूंढ रहा हूँ कोविड-19 के बाद से। आप 2 साल से जॉब नहीं कर रहे हो? और क्यों नहीं कर रहे हो आप जॉब? कोविड-19 की वजह से। कोविड की वजह से नहीं, उसके बाद तो बहुत सारे लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गया था, उसके बावजूद भी बाकी लोग जॉब कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जॉब कर रहे हो? मैंने सर्च मारा लेकिन मिला नहीं कोई भी। आपने सर्च किया, आपको मिला नहीं? बहुत सारे। आपका नाम क्या है? समीर सिंह। समीर सिंह जी। और आप हो कहाँ से? मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कितने साल के हैं आप? 26 ईयर्स में। और 2 सालों से आपने कोई जॉब नहीं किया है, उससे पहले आप जॉब कर रहे थे, राइट? मतलब आपने अपने ज़िंदगी के 2 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए हैं, या फिर आप 2 सालों में कुछ किया है आपने? 2 सालों में मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ तो किया होगा, जॉब सर्च मारा। बाकी अब जॉब सर्च करने में कितना टाइम लगता है? मैम जॉब सर्च करना और इंटरव्यू देना, बस मेरा सुबह से शाम तक का एक गोल था। मैं क्या समझूं आपकी बात पे, तो मुझे हंसी भी आ रहा है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर आपने इन 2 सालों में ऐसा कौन सा जॉब ढूंढा कि आपको 2 सालों में जॉब ही नहीं मिला। जहां पे जॉब मिला वहां पे सैलरी कम थी, जहां पे सैलरी मिली वहां पे जॉब के लिए नहीं ऑफर मिला। ठीक है, क्या मतलब क्या सैलरी आपकी उम्मीद, क्या करते हैं, आपको क्या सैलरी मिलना चाहिए? कम से कम मैम 30+ ही होना चाहिए। 30+ होना चाहिए। आपने क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? IIT किया है आपने? कहाँ से? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे से कराया आपने? IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? IIT का फुल फॉर्म सबको पता है, जो IIT किया उसको फुल फॉर्म नहीं पता है। हाँ ठीक है, सबको पता है, तो यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या होता है, IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं जब IIT किया हूँ, IIT का फुल फॉर्म मुझे नहीं। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि आपने IIT नहीं किया, मैं बोल रही हूँ कि आपने IIT किया है, IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके मैम बताते हैं, इंडियन क्या होता है, मैं भूल रहा हूँ मैम। आपने IIT से पढ़ाई करी है और आपको IIT का फुल फॉर्म नहीं पता है? नहीं, पता तो है, इंडियन ऐसे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बता दिया आपको, याद करके रखना, कभी भी अगर आगे इंटरव्यू देने जाओ जी। तो काम आएगा आपको। पास आउट कब के हैं आप? 2014 में किया हूँ। 2014 में जी, 14 या 15 ऐसे में किया, 14 में किया हूँ। अब सोच लो एक बार और, क्योंकि अगर आप पास आउट होंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि आप कब पास आउट हुए हैं। मैं और इंटरव्यू कब तक, मतलब आपने कितने अब तक लाइफ में कितने इंटरव्यू दिए हैं आपने? मैं इंटरव्यू तो मैंने खूब दिया है। कितने दिए हैं? 200-150 तो दिए ही होंगे। और आपको इतना पता नहीं है कि इंटरव्यू में जाते हैं तो फॉर्मल ड्रेस में आखिर कैसे पहन के जाते हैं? सॉरी मैम। ठीक है, क्या बात कर रहे थे, आपने कौन से ईयर में किया था? 14 में किया था, राइट? एडमिशन कौन से ईयर में लिया था? एडमिशन मैम मैंने किया था 10 या 11 में, ऐसे ही। 10 में या 11 में, सोच लो एक बार और। 10 11 में। 11 में लिया था, मतलब आपने बीटेक की पढ़ाई 3 सालों में कर ली, वाह। 10 में किया था। आपको इतना याद नहीं है, मतलब आपकी मेमोरी ठीक है या नहीं है? जी मेमोरी तो ठीक है। मेमोरी ठीक नहीं होती तो मैं यहाँ आता कैसे? लग नहीं रहा है, बट लग नहीं रहा है मैम। आप अपनी रिज्यूम लेके आए हैं जी, दिखाइए।
सबसे पहली बात तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने IIT बॉम्बे से किया है और पासिंग ईयर आपका 2016 है और एडमिशन आपका 2012 का है, तो आपकी रिज्यूम गलत है या फिर आपको याद नहीं है? मैम रिज्यूम सही है। रिज्यूम सही है, आपको याद नहीं है? मुझे याद नहीं। आपको क्या लग रहा है कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो पागल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है? तो मैंने बोला नहीं मैं। आपने बोला नहीं, लेकिन आप कर तो वही रहे हो ना। आपके आपको IIT का फुल फॉर्म नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि आपकी एडमिशन कौन से ईयर में हुआ था, आप पास आउट कौन से ईयर। एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, अगर एक क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया तो आपका सिलेक्शन, अदरवाइज आप बिना बताए आप यहाँ से चले जाना। ओके। ठीक है, बहुत ईजी सा। आपने 4 सालों में कितने सब्जेक्ट के एग्जाम्स दिए हैं? 4 सालों में मैंने 15 और 16 दिया। 4 सालों में 8 सेमेस्टर होते हैं और 8 सेमेस्टर में 1 सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 16 कितने सेमेस्टर में हुए? 3 सेमेस्टर। कौन सी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें होती हैं? इससे ये पता चल रहा है कि आप खामखा झूठ बोल रहे हो, ठीक है? और इसके पीछे क्या वजह है, मतलब किस बात के लिए आप झूठ बोल रहे हो? आपको अच्छा लगेगा अगर कोई आपको डांट के ऐसे भगाएगा तो? आपको अच्छा लगता है ऐसे किसी और का टाइम वेस्ट करना? तो आप कर रहे हो ना वही, आप बोल रहे हो कि नहीं और फिर आप वही चीजें कर रहे हो। मुझे मैम जॉब की जरूरत है, नीड है। जॉब की जरूरत है, इसका मतलब कि आप दूसरे का टाइम थोड़ी वेस्ट करोगे। आपके टाइम का इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, आपके टाइम की कीमत नहीं है, किसी और के टाइम का तो कीमत है। और इसी वजह से आपको पिछले 2 सालों से जॉब नहीं मिला है, समझ रहे हो आप? आपको क्या लगता है बाकी जो आगे बैठा हुआ है उसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसने पढ़ाई नहीं किया है? मैंने ऐसा तो बोला नहीं। आप बोले नहीं हो, मेरी एक सजेशन है तुम्हारे लिए कि अगर तुम किसी बात को झूठ बोल रहे हो ना जी। तो एटलीस्ट उससे पहले उस पर रिसर्च कर लो कि तुम क्या झूठ बोल रहे हो। जो भी काम करो ना शिद्दत से करो एटलीस्ट। अगर आपने बोल ही दिया कि आपने IIT किया है तो एटलीस्ट थोड़ा सा 1-2 घंटे टाइम लेके इतना टाइम तो दे लेते कि IIT का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने कॉलेज हैं, क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या पढ़ाई होती है। मुझे जॉब की बहुत नीड थी। जॉब की बहुत नीड है ना, तो कोई नहीं समझेगा आपकी। आप दूसरों के टाइम का जब कीमत नहीं समझोगे ना, आप दूसरों के टाइम का रिस्पेक्ट नहीं समझोगे ना, तो आपके टाइम का रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। आप दूसरों के टाइम का रिस्पेक्ट करो तब आपके टाइम का रिस्पेक्ट होगा, समझ रहे हो आप? जॉब मैं चूंकि तकरीबन 2 सालों से बेरोजगार हूँ, मुझे जॉब की इतनी जरूरत है। मैं 2 सालों से मैं कैसे रह रहा हूँ मुझे ही पता है। आप कैसे रह रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों काम नहीं कर रहे हो आप? आपने IIT से पढ़ाई नहीं की है ये कन्फर्म है? नहीं, अगर आप फिर भी अगर झूठ बोल रहे हो तो अभी के अभी अपना बैग उठाओ और आप निकल जाओ, क्योंकि मेरे पास ऐसे झूठे लोगों के लिए टाइम नहीं है। नहीं। और ये आपका ना रिज्यूम आप अपने पास रखो, कहीं और लेके जाना, काम आएगा आपको, समझ रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा चल रहा है। आपने अभी तुरंत बोला ना कि आपने IIT से पढ़ाई किया है, इससे पहले तक आप इस बात से एग्री कर रहे थे कि हाँ नहीं करा है, फिर आपने बोल रहे हो कि फिर आपने करा है। नहीं करा है ना, तो एटलीस्ट आपको मजाक मत बनाओ ना उनका। आप ऐसे मजाक बनाओगे उसका? एटलीस्ट आप अगर किसी बात को बोल रहे हो, आप IIT के बारे में बोल रहे हो ना, तो एटलीस्ट 1-2 घंटे टाइम देकर रिसर्च कर लो उस पे। जॉब की जरूरत थी, हमने सोचा झूठ बोल देते हैं। जॉब की क्या जरूरत थी? जॉब की जरूरत नहीं होती, सबको नीड होती है जॉब की। मुझे तो 2 सालों से मैं ऐसे बैठा हूँ, घर का खा रहा हूँ, घर का पी रहा हूँ, उनको उनके ताने सुन रहा हूँ, मोहल्ले वालों का ताना सुन रहा हूँ, तो जॉब की जरूरत तो पड़ेगी। तो आपको काम करना चाहिए था ना मैम, क्योंकि हम इससे पहले क्या काम कर रहे थे आप? पहले मैम मेरा गारमेंट का शॉप था। गारमेंट्स का शॉप था आपका, कहाँ पे था? गांधीनगर में। गांधीनगर में था। आपके लिए एक सजेशन है कि आप जिस काम में आपको नॉलेज है ना, उस काम में आगे बढ़ो। आप यहाँ आओगे ना, मैं आपको बोलूँ, आप यहाँ आओगे, आप सीखने में आपको 2 साल लग जाएंगे, और आपकी उम्र अब सीखने की नहीं है,
सीखने का वैसे कोई उम्र नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपको समझना है उसे। जो काम आप कर चुके हो, जिस काम में आपका नॉलेज है, उस काम को आगे बढ़ाओ ना। आप क्यों खामा खा दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैम उसके लिए मेरा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है ना। आप यही चीजें आपको बताना था ना, ये चीजें आप बताते पहले कि ये प्रॉब्लम है, हम इसलिए आए हैं तो कुछ हम सॉल्यूशन करते, एटलीस्ट हम अपना टाइम तो वेस्ट ना करते। आपने मेरे साथ साथ और लोगों का भी टाइम वेस्ट करा है ना। जी मैम। आपके टाइम की कीमत नहीं है, लेकिन मेरे टाइम का इस टाइम की भी कोई कीमत होगी मेरी। रेस्पेक्ट करना सीखो लोगों के टाइम का। आप जब दूसरों के टाइम का रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे ना, आपके टाइम का रेस्पेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके गारमेंट के शॉप नहीं चल रहे? नहीं मैम, कोविड-19 के बाद बंद हो गया। बंद हो गए आपके? बंद हो गया। तो आप क्या चाहते हैं, वो फिर से स्टार्ट करना है आपको? क्योंकि वही आपको नॉलेज है ना, उसमें आपको वो काम करना चाहिए। आपकी वीडियो ऑडियो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, इस वजह से मैंने आपके साथ सोचा काम करने के बाद काम भी सीख लेंगे आपके साथ। काम सीखना इतना आसान नहीं है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा भाई। पढ़ाई की उम्र है, आप पढ़ना है। अभी मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ, करोगे आप? दूसरे दिन भाग जाओगे, भागोगे ना। पढ़ाई तो अब नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सजेशन दे रही हूँ। आप अपना स्टार्ट करो, काम वाम फिर से करो, जो काम कर रहे हो वो करो आप। तो मैम उसके लिए हमें फिर फाइनेंशियल कंडीशन मेरा सही नहीं है ना, मुझे अगर वो शॉप चालू करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, फिर पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? और मैं अपने एक मैनेजर से बात कर लेती हूँ, वो आपको गाइड कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? कि 70 और 30 का मार्जिन लेके करेंगे काम। 70 और 30 में तो फिर कैसे होगा, आप बताओ। 30 आपकी रहेगी, 70 मेरी रहेगी। 30 में मैं कितना कर लूँगा, क्या कर लूँगा मुझे? आप अगर अभी मैं आपको 100% आपको पर्सनली करने के लिए दे दूँ ना, आप उतना नहीं कर पाओगे जितना आप हमारे साथ मिलके करोगे, तो आपको 20 में मिलेगा, देख लो। ठीक है, अभी तो आप अकेले मरते रह जाओगे, आप उतना कर ही नहीं पाओगे। हमारे टीम के साथ काम करोगे, एटलीस्ट आपको 30 में वो आपकी 100% की मार्जिन रहेगी, समझ रहे हो आप? ओके, हम कर लेंगे। तो ये बेटर है आपके लिए। ठीक है, अग्री है ना। सजेशन याद करके रखना कि आप दूसरों के टाइम का रिस्पेक्ट करना सीखो। मुझे अच्छा लगा कि आप एटलीस्ट समझ पाए जिस चीज को मैंने समझाया आपको। ओके मैम, थैंक यू मैम, आपने मेरा फिर से काम स्टार्ट करवा दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं फिर से मैं तो सोचा था कि आज भी झूठ पकड़ा गया, आज मुझे जॉब मिलेगी नहीं, फिर कहीं और धक्के खाने पड़ेंगे, फिर बस में जाओ, सफर करो, फिर वहाँ वहाँ जाओ, फिर भागते भाग, मतलब 2 सालों से मैं भाग ही रहा हूँ। लेकिन आपकी वजह से मतलब यहाँ पे आया था कुछ उम्मीदों से, मेरी उम्मीद पे मतलब आपने सही किया। जो भी हुआ मेरा जॉब तो मिल गया, मेरा खुद का काम है, वहाँ पे किसी से वो नहीं लेना है, परमिशन नहीं लेना है, मेरा खुद का जॉब है। ऑनेस्ट होना ना कभी कभी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो आप? ओके मैम। कभी कभी कुछ खोना भी पड़ता है, कभी कभी कुछ लॉस भी होता है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट करना सीख लो पहले। झूठ बोलो तो एटलीस्ट उससे पहले रिसर्च कर लो कि क्या बोल रहे हो, क्या पता आप रिसर्च करके आते हो और मैं पकड़ ही नहीं पाती आपको। हो सकता था, हो सकता आप कहीं और जाओ, आप रिसर्च करके जाओ और आपको आपकी झूठ पकड़ी ही ना जाए, समझ रहे हो? वैसे झूठ बोलना बुराई है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, लाइफ में कभी उतार चढ़ाव आते हैं, तो एटलीस्ट आपको नॉलेज तो होना चाहिए। आपका जो टैलेंट है ना, वो आपका जिसमें है, जिसमें नॉलेज है, आप वहाँ पे करो। आप गलत जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे थे, समझ रहे हो आप? अगर मैं अभी करने लग जाऊँ, मैं अभी घर बनाना स्टार्ट कर दूँ, मैं बना पाऊँगी? नहीं बना पाऊँगी ना। यही चीज़ें मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ लोगों को, लोगों का मदद करना स्टार्ट कर दूँ, मैं अपना काम कर सकती हूँ मैं, तो क्या करना चाहिए? घर बनाना स्टार्ट करना चाहिए कि मुझे अपना काम करना चाहिए? आपको अपना काम करना चाहिए। तो यही सजेशन आपके लिए है, आपको अपना काम करना चाहिए। और ना आपके साथ मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो सामने कैमरा है। ये कैसा वीडियो है? वीडियो इस बात की कि आपका काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहा था इंटरव्यू के लिए, ठीक है? आपने बताया मैंने IIT कर रखा है, मेरे ये एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है। मैंने बोला ठीक है, फिर देख लेते हैं कि कैसे एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, आपने मेरा काम स्टार्ट करवा दिया, बस वही शुक्रिया है आपको। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, पान खाते हैं आप? जी पान खाते हैं। कहाँ से हैं? अपने इलाहाबाद बताया था। एक्चुअली मैं बनारस से हूँ।
अच्छा बनारस से हो आप, तो बनारस और पान का तो रिश्ता भी है कुछ, इससे रिलेटेड तो एक गाना भी है। जी है मैम। अब अगर आपको याद है तो सुना दीजिए फिर अच्छा लगेगा। मैम पूरा गाना तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा एक गाना है अमिताभ बच्चन ने गाया था, खाई के पान बनारस वाला। गजब, अगली बार आइएगा तो पान वान खाते हुए आइएगा, ठीक है? ओके मैम, अब तो जॉब, अब तो मेरा वो हो गया, अब तो पान खा के आएंगे, आपके लिए भी पर्सनली लेके आएंगे। चलिए, बहुत लोग हमको बोल रहे थे कि श्यामा जी आप गुस्से में बहुत शॉर्ट टेम्पर लगती है, मैंने बोला आज गुस्सा नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ रहे हैं आप। चलिए फिर आइए, आप मिलिए वहाँ पे जाके और फिर उसके बाद आगे की बात तब देखी जाएगी। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नाम क्या है आपका? समीर सिंह। समीर सिंह।